Hello friends, I am Megha. Welcome back to my channel Bio Study Circle. In this video, we will discuss about kingdom planting, plant kingdom. As we know about five kingdom classification, which is given by Robert Whittaker. Five kingdom classification is given by Robert Whittaker. And what are the five kingdom? Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. These are the five kingdoms. In kingdom Monera, वो सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा में हैं जो यूनिसेलुलर हैं. यूनिसेलुलर मींस जिनका एक सेल होता है, जो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है. प्रोकैरियोटिक मींस जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, डेवलप्ड नहीं है. ओके, उन ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम मोनेरा में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो है किंगडम मोनेरा में आ जाएंगे. इनमें वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स किंगडम मोनेरा के अंडर रखे जाते हैं. नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो यूनिसेलुलर तो हैं, बट वो यूकैरियोटिक हैं. यूकैरियोटिक मींस जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है. प्रोकैरियोटिक मींस जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है. यूकैरियोटिक मींस जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है. ओके, सो मोनेरा किंगडम में हम वो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जो यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं. प्रोकैरियोटिक मींस जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है. किंगडम प्रोटिस्टा में हम वो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं. यूकैरियोटिक मींस जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है. ओके, फंजाई. किंगडम फंजाई में हम बहुत सारी फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि पेनिसिलियम है. ओके, अगैरिकस है, पुक्सीनिया है. वो सारी ऑर्गेन, वो सारी फंजाई को हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई में. ओके, किंगडम फंजाई है जो वो फर्दर डिवाइडेड है. फर्दर उसको डिवाइड किया गया है ओमाइसीट्स, जिसको हम ओगैमस फंगस बोल देते हैं, जाइगोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स, ड्यूटीरोमाइसीट्स. वो सारे के सारे फंगस में उनके उनके अंडर जो भी मेंबर्स हैं उनको उनके फीचर्स के बेस पे उन चार में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से है? ओगैमस फंगस, जिसको हम ओमाइसीट्स बोल देते हैं, ओमाइसीट्स, ओगैमस फंगस. ओके, जाइगोमाइसीट्स हैं, बेसिडियोमाइसीट्स हैं, एस्कोमाइसीट्स हैं, ड्यूटीरोमाइसीट्स हैं. इसको फंजाई को इन फाइव में हमने डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट किंगडम प्लांटे. जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा किंगडम प्लांटे, जिसमें हम प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे. वो सारे प्लांट्स को डिस्कस करेंगे जो या तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या सीड बियरिंग, फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स हैं. ओके, या ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट स्टेम और लीव्स की डिफ्रेंसिएशन नहीं होती, जिनको हम थैलोफाइट्स बोल देते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटे में. नेक्स्ट है किंगडम एनिमलिया. एनिमलिया में हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे. ओके, सो क्लासिफिकेशन, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो रॉबर्ट व्हिटेकर ने दी थी. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, जब ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की जाती है, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू इनके जो वेज हैं, कुछ जैसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोला जाता है. नेचुरल क्लासिफिकेशन मींस इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, उनकी ग्रुपिंग की जाती है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मींस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे के बेस पे, उनके एंसेस्टर्स पे के बेस पे जब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. ओके, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में. नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम, फिर उसका नोमनक्लेचर देखेंगे. नोमनक्लेचर मतलब उसकी नेमिंग करेंगे. नेक्स्ट उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है. इन तीन स्टेप्स में को टैक्सोनॉमी बोला जाता है. टैक्सोनॉमी मीन्स सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसको आइडेंटिफाई किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, नेक्स्ट उसको नेमिंग की, फिर उसको क्लासिफाई कर दिया. दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. ओके,
वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मीन्स नंबर, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नंबर्स और कोड्स में उनको कोड्स दे दिए जाते हैं या उनको नंबर्स दे दिए जाते हैं, फिर वो डाटा फर्दर स्टोर किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है. दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. साइटो टैक्सोनॉमी. साइटो टैक्सोनॉमी मीन्स क्रोमोजोम नंबर. साइटो मीन्स क्या होता है? सेल. साइटो मीन्स सेल, CYTO. साइटो मीन्स सेल. उसमें क्रोमोजोम नंबर के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, ओके, या उसके सेल के बिहेवियर के बेस पे जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करके उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? साइटो टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट इज कीमो टैक्सोनॉमी. कीमो टैक्सोनॉमी जो होती है वो केमिकल बेस्ड होती है. कीमो टैक्सोनॉमी जो है वो केमिकल बेस्ड है. नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम्स को, प्लांट किंगडम है उसको हम दो में डिवाइड करेंगे, क्रिप्टोगैम्स, फिनारोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं जिनमें, उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, ओके. और ये दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, ओके. सो सीड इनके पास नहीं होते, जबकि फिनारोगैम्स होते हैं, वो सीड बियरिंग होते हैं, उनके पास सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगैम्स एंड फिनारोगैम्स. मीन्स क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं, क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं उनमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं और वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि फिनारोगैम्स जो हैं वो, उनके पास सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं और वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो सीड्स या तो नेक्ड हो सकते हैं या कवर्ड होते हैं, ओके. क्रिप्टोगैम्स में, फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टोगैम्स जो हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को. क्रिप्टोगैम्स में हम डिस्कस करेंगे थैलोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को और टेरिडोफाइट्स को. अगर हम बात करें थैलोफाइट्स की, थैलोफाइट्स दो वर्ड से मिलके बना है ये, थैलस प्लस फाइट्स. फाइट्स मीन्स प्लांट्स. थैलस का मतलब होता है जिनमें रूट, स्टेम, लीव्स की डिफ्रेंसिएशन नहीं हुई होती, उसको हम बोल देते हैं थैलोफाइट्स, ओके. सो थैलोफाइट्स में हम डिस्कस करेंगे एल्गे के बारे में. एल्गे में, अगर एल्गे आपको दे दिया जाए तो एल्गे में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा एल्गे का रूट पार्ट है, कौन सी स्टेम है और कौन सा लीव्स है, ओके. सो इसको हम क्या बोल देते हैं? थैलस बोल देते हैं. सो दीज आर कॉल्ड थैलोफाइट्स. थैलस मीनिंग जिसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती रूट, स्टेम और लीव्स की, ओके. सो थैलोफाइट्स में एग्जाम्पल आ जाती है एल्गे की, जैसे ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा या रेड एल्गा. ग्रीन एल्गा को हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसी. रेड एल्गा को हम बोलेंगे रोडोफाइसी. और ब्राउन एल्गा जो है उसको हम बोलेंगे फियोफाइसी, ओके. नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोल देते हैं. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किस लिए बोला जाता है? क्योंकि इनको दोनों कंडीशन चाहिए होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी और एक्वेटिक भी. सो दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फी मतलब बोथ. नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. अब देखो, थैलोफाइट्स जो थे वो एक्वेटिक थी. एल्गी क्या होती है? एक्वेटिक होती है. ब्रायोफाइट्स जो आ गए उसमें, ब्रायोफाइट्स जो है वो उनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलेंगे, जिसको एक्वेटिक कंडीशन भी चाहिए और टेरेस्ट्रियल कंडीशन भी चाहिए, ओके. नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनको हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं. सो ये तीनों हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोगैम्स के अंडर, ओके. क्रिप्टोगैम्स मीन्स जिनके सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं, जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोल देते हैं? क्रिप्टोगैम्स बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल थैलोफाइट्स. थैलोफाइट्स मीनिंग जो दो वर्ड से मिलके बना है, थैलस प्लस फाइट्स. थैलस मीन्स जिसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होती रूट, स्टेम, लीव्स की, उसको हम थैलस बोल देते हैं. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे एल्गा के बारे में. ब्रायोफाइट्स आ गए. ब्रायोफाइट्स जो है उनको हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलेंगे. क्यों? इसलिए बोलेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्योंकि ये होते तो टेरेस्ट्रियल हैं, बट इनको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वाटर रिक्वायर्ड होता है. सो दैट इज वाई दिज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोल देते हैं. सो ये तीनों क्रिप्टोगैम्स के अंडर आ जाते हैं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ओके. अब हम डिस्कस करेंगे फिनारोगैम्स को. फिनारोगैम्स जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल. सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? विजिबल होते हैं इसमें,
और सीड्स नेक्ड भी हो सकते हैं, कवर्ड होते हैं, या नेक्ड भी होते हैं या नेक्ड नहीं भी हो सकते। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स को और एंजियोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म्स जो हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स, जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोल देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम थैलोफाइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैलोफाइट्स जिसमें हम एल्गे के बारे में स्टडी करेंगे, थैलोफाइट्स में हम एल्गे के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, एल्गे जो होती है एक्वेटिक होती है, वाटर में होती है, एक्वेटिक होती है, सो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, थैलोफाइट्स मीनिंग की थैलो, जो दो वर्ड से मिलके बना है, थैलस और फाइट्स। थैलस मीन्स जिसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होती रूट स्टेम और लीव्स के बीच में, डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते। ओके, उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, थैलोइड और थैलस। फाइट्स मीनिंग प्लांट्स, वो सारे प्लांट्स जो कि जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते रूट स्टेम और लीव्स में, उनको हम थैलोफाइट्स के अंडर पढ़ेंगे। ये एक्वाटिक होती है, एक्वाटिक मीन्स ये पानी में होती है, एल्गे पानी में मिलती है। ओके, और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो है उसमें प्रेजेंट होती है, थैलोफाइट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ओके, जिस वजह से ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, मीन्स कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। थैलोइड स्ट्रक्चर भी इनमें प्रेजेंट होती है, मीन्स कि रूट स्टेम और लीव्स की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं फंजाई के साथ। एल्गी शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फंजाई, मीन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बेटा कि दो लोग आपस, दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इसलिए रहते हैं, एक दूसरे के फायदे के लिए रहते हैं। लाइक एल्गा जो है वो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, दिस मीन्स ये अपना फूड खुद बना सकती है एल्गी। ओके, सो ये फंजाई को फूड देगी और फंजाई जो है वो एल्गा को शेल्टर देता है। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मीन्स अपने फायदे के लिए किसी दूसरे के साथ रहना, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, सो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है फंजाई के साथ। सो एल्गे प्लस फंजाई इज इक्वल टू लाइकेंस, उनको हम लाइकेंस बोल देते हैं। ओके, जो एल्गे होती है, थैलोफाइट्स होते हैं, दे मे बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। सिंगल एक सेल वाली फंजाई, एक सेल वाली एल्गा भी होती है और मल्टी सेलुलर एल्गे भी प्रेजेंट होती हैं। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सिंगल यूनिसेलुलर हैं और कुछ मेंबर्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। ओके, इनकी स्ट्रक्चर ब्रांच भी हो सकती है, ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं या सॉलिटरी भी हो सकते हैं। कॉलोनी में फॉर एग्जांपल, जो कॉलोनी में एल्गी रहती है, फॉर एग्जांपल एल्गा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ जो एल्गे के मेंबर्स होते हैं वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन, जैसे कि स्पायरोगायरा है उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। ओके, कुछ जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है उसमें जूस्पोर्स बनते हैं, सो स्पोरुलेशन होती है विच इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके जो गेमीट्स है वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, अनआइसोगैमस भी हो सकते हैं, ऊगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस मीन्स जो गेमीट्स हैं वो उनका साइज सिमिलर होना, जो मेल और फीमेल गेमीट है उनका साइज सेम होना। ओके, एनाइसो मीन्स वो सेम नहीं होते, और ऊ गैमस मीन्स कि जो मेल गेमीट है, मेल गेमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गेमीट इज नॉन मोटाइल। मेल गेमीट का साइज छोटा होगा और फीमेल गेमीट का साइज बड़ा होगा। ओके, सो इसमें हम थैलोफाइट्स में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि जो थैलोफाइट्स होते हैं वो इसमें हम एल्गा इंक्लूड करेंगे, ये एक्वाटिक है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिस मीन्स ये अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, और इनमें रूट स्टेम और लीव्स की डिफरेंशिएशन नहीं होती, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है फंजाई के साथ। ओके, ये सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, ये कॉलोनियल भी हो सकती है, कॉलोनियल में एग्जांपल है वॉलवॉक्स की। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, जैसे फ्रेगमेंटेशन होती है स्पायरोगायरा में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे क्लेमाइडोमोनास, जो कि एल्गा है, ग्रीन एल्गा है जिसमें जूस्पोर्स बनती हैं, जूस्पोर्स से ये मल्टीप्लीकेशन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होती है, इसके गेमीट्स जो हैं वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनआइसोगैमस भी हो सकते हैं और ऊगैमस भी हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।